The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Aadab, Satsriyakal, दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों अगर आप बार-बार बीमार होते हैं तो आप सोचते होंगे कि भाई मैंने कौन से पाप किए हैं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है सो so, बिल्कुल यही बात आज हम करेंगे आपसे कि वॉट आर द थिंग्स विच मेकिंग यू सिक अगेन एंड अगेन वट डू यू मीन बाय अ रिकरिंग इलनेस ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो रिकर होती हैं बार बार आती हैं और ऐसे क्या कारण हैं जिसके वजह से आपको बार 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 बीमारियां हो रही हैं राइट कंसिडर दिस राइट वॉट आर दीज रिकरिंग इलनेसेस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोनिक डिजीज ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेशर डायबिटीज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोनिक डिजीजेस राइट देखो आपको अगर मोटापा है आपको डायबिटीज़ है आपको ब्लड प्रेशर है तो आपकी रिकरिंग डिजीजेस की रिस्क बढ़ सकता है बट ये डायबिटीज और ये रिकरिंग डिजीज नहीं है क्रोनिक डिजीज एक बार आ गई तो लंबे समय तक रहेगी ओके लंबे समय तक रहेगी बट इट्स नॉट लाइक कि एक बार आ गई तो दो चार दिन एक महीने बाद ठीक हो जाएगी फिर दो महीने बाद आ जाएगी फिर एक महीने बाद रिकरिंग इलनेस इज समथिंग लाइक दैट कि थोड़े दिन ठीक थोड़े दिन बीमार थोड़े दिन ठीक थोड़े दिन बीमार सो व्हाट इज दैट व्हाई इज दैट व्हाई वाई डॉट हैपन इट माइट बी अ आई इन्फेक्शन इट माइट भी ईयर इन्फेक्शन इट माइट बी मोस्ट कॉमन इज थ्रोट इन्फेक्शन इट माइट बी सम अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन बार 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 कोल्ड हो जाना राइट व्हाट इज मेकिंग यू सिक क्यों बीमार हो रहे हैं राइट ऐसा है वैसे तो बीमार तो सब होते हैं ठीक है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बार 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 बीमार ही रहते हैं यानी बीमार होते रहना ही उनकी जीवन का एक बहुत अहम एक हिस्सा हो जाता है बहुत कम समय होता है जब वो एक्चुअली बहुत बिल्कुल परफेक्टली ठीक होते हैं वरना कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है सो तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है बहुत ज़रूरी कि उनके अंदर क्या गड़बड़ है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको एक्चुअली बीमार करने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं नंबर वन चीज़ इज व्हाट यू ईट यस योर डाइट अगर आपके खाने में प्रॉब्लम है आ बोलते हैं वैसे तो दो लो, लोग बोलते हैं एन एप्पल अ डे अडे द डॉक्टर अगे मगर ऐसा नहीं है बेसिकली एक बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है वाइटामिन कम है पानी कम है कुछ भी कम है तो योर यू विल हैव डिजीजेज आपकी डिजीजेस बीमार होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अच्छा न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स वाइटाम्स मिनरल्स पानी सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए सो वॉट डू वॉन्ट टू ईट मोटे मोटे चार चार रूल याद रखिए बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाइए सलाद खाइए पकी हुई सब्जियाँ खाइए लीन प्रोटीन लीजिए इंस्टेड ऑफ फैटी प्रोटीन यानी कि मीट यानी कि रेड मीट की जगह अंडे खाइए प्रोटीन के लिए आ, या चिकन खाइए अगर आप नॉन वेज हैं वेज हैं तो टोफू लीजिए या सोया लीजिए या पनीर लीजिए डबल टोन दूध लीजिए या स्किम्ड मिल्क लीजिए ऐसी चीज़ें फैट सोडियम और शुगर ये तीन चीज़ें कम रखिए यानी कि चर्बी तला हुआ सोडियम और शुगर शक्कर और चीनी और नमक उसके अलावा होल ग्रेन्स खाइए ना कि रिफाइंड ग्रेन्स रिफाइंड फूड नहीं खाइए चार ब्रेसिक याद रख लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा आपके घर में पका के चीजें खाइए बाहर से पैकेट में बंद चीजें मिनिमम या ना ही ना खाएं तो बेहतर फिर वट आर थिंग्स विच आर कॉजिंग यू एक तो आपका खाना नंबर दो है वाइटामिन डी जी हाँ डी वाइटामिन डी धूप से जी हाँ बहुत लोग हैं जिनको विटामिन डी की कमी है और ये स्टडीज में भी देखा गया है रेस्पिरेटरी इलनेसेज विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बार बार गला खराब होता है बार बार बीमार होते हैं इम्यून सिस्टम खराब होता है विटामिन डी आपको धूप से मिलेगा फैटी फिशेज से मिलेगा एग योग से मिलेगा मशरूम से मिलेगा इन सब चीज़ों में लेकिन सबसे जरूरी होता है आपका धूप पंद्रह मिनट आप अगर हर दूसरे दिन धूप में खड़े रहेंगे मैक्सिमम अपनी बॉडी एक्सपोज करके तो आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा डाइटरी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप जो के बेस्ट होते हैं अगर आपके डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करने के लिए सो so, डाइटरी सफिशेंट सप्लीमेंट्स के लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें किस डोज में आपको चाहिए थर्ड थिंग इज डिहाइड्रेशन यस एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन इन योर बॉडी डिपेंड्स अपॉन वाटर पानी नहीं तो कुछ नहीं जल बिन जीवन पॉसिबल नहीं है सो so, जल चाहिए आपको नहीं तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाएंगे भी नहीं सही से पौष्टिकता मिलेगी भी नहीं सही से मॉइस्चर भी नहीं रहेगा ड्राइनेस भी रहेगी इचिंग भी होगी इरिटेशन भी होगी एलर्जी भी होगी इन्फेक्शन भी होगा तो जल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो आपका नाक हो माउथ मौ, मौ, हो एनस हो ईयर हो थ्रोट हो कोई भी चीज को मॉइस्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है सो so डिहाइड्रेशन से इज अ बिग बिग प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग आजकल लोग पानी नहीं पीते कम पीते हैं दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन अपने आप में कस फटीग आपको थकावट हेडेक एक कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें कर सकता है और आपको जब प्यास लगने लगती है तब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हो याद रखिएगा आइज भी अंदर चल जाएगी डिहाइड्रेटेड हो गए तो ब्लड प्रेशर लो हार्ट रेट फास्ट कन्फ्यूजन लिथारजी ये सब चीज़ें हो सकती है द फोर्थ बिगेस्ट थिंग इज स्लीप डिप्रेवेशन जो लोग सही से नहीं सोते उनके वजह से उनके दिक्कत इस स्लीप नहीं होने के वजह से उनके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनकी इम्यून सिस्टम ऐसे साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं जो दिक्कत करते हैं आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आपकी स्लीप डिप्रेवेशन अपने आप में आपका रिस्क बढ़ा देती है मोटापे का हार्ट डिजीज का डायबिटीज का हार्ट अटैक का ब्लड प्रेशर का इन सब का रिस्क बढ़ा देती है तो सात से आठ घंटे की स्लीप आपको मिलनी चाहिए और अगर बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं तो दस घंटे की स्लीप उनको मिलनी चाहिए और मिनिमम छह घंटे एडल्ट के लिए जरूरी है फिफ्थ बिगेस्ट चीज जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं वो है आपके हाथ आपके डर्टी हैंड्स योर हैंड्स इफ़ योर हैंड्स आर डर्टी देन इट इज़ ये हाथ के वजह से ही मैक्सिमम लोगों को कोरोना हो जाता है टाइफाइड हो जाता है हाथ गंदे होकर मुँह के आँस लेके जाते हैं बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हैंड वॉशिंग सिंपल हैंड वॉशिंग खाली पानी से भी और साबुन से भी आप 20 सेकंड तक करेंगे तो आपका पूरा हाथ जो है बढ़िया से सैनिटाइज हो जाएगा और कोरोना के ज़माने में आप सबको पता ही है को सैनिटाइज कैसे करना है हाथ को तो हाथ सैनिटाइज करें बहुत ज़रूरी है कब करें कुछ भी खाने से पहले खाने के बाद और खाना बनाने से पहले बनाने के बाद बिफोर यू आर केयरिंग फॉर अ पेट कोई या बीमार पर्सन के हाथ पा हाथ मिलाए बीमार के पास गए हो जानवर के पास गए हो कोई जख्म पे आपने हाथ वात लगाया है बाथरूम यूज़ करने से पहले बाद में पहले नहीं, बाद में और डाइपर्स अगर चेंज कर रहे हैं खासी ज़ुकाम ब्लोइंग नोज कर रहे हैं तो उसके बाद में गैराज वराज में काम कर रहे हैं उसके बाद में ये सब जरूरी है एंड द लास्ट थिंग लास्ट तो नहीं है एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट uh, है वो है बैड ओरल हेल्थ मुंह के अंदर अगर ओरल हेल्थ ब्रश अगर आप दिन में दो बार नहीं कर रहे हो या सही से नहीं कर रहे हो मुंह को क्लीन नहीं कर रहे हो हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं कर रहे हो खाना जो है आपके दांतों के पीछे मसूड़ों में चिपका रह जाता है तो आपकी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक स्ट्रोक भी हो सकता है इससे जी हाँ पुअर होल्थ पूर पोअर ओरल हेल्थ इसका भी रिस्क बढ़ाती है और फीमेल्स में प्री मेचोर बर्थ बाद में लो बर्थ वेट आ, बच्चे या इवन सबसे बड़ी ख़तरनाक रिस्क एंडोकाडाइटिस हार्ट की अंदर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है उसके बाद जो आता है रिस्क क्यों आप बीमार हो रहे हैं वो है आपके एक्चुअल इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इम्यून सिस्टम जो है कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया टॉक्सिन कैंसर कभी कभी कोई वायरस कोई फंगस कोई एलर्जन ऐसे भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को ही खराब करने लग जाते हैं सो so, अगर कोई ऐसे इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके बॉडी के अंदर फिर आप बार बार बीमार होंगे ऐसे कोई Uh, आपको फिर आप आपकी बॉडी के अंदर आपको इम्यून डेफिशिएंसी टाइप मिल जाएगी एड्स में भी होता है लेकिन एड्स में बहुत हैवी वाला, वाला होता है यहाँ हम बात कर रहे हैं सब ऑप्टिमल इम्यून सिस्टम होना जो कि आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज के वजह से भी हो सकता है मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है आपके बचपन से जेनेटिक इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है जेनेटिक रीजन भी हो सकता है अपने आप में कि भाई आपके अंदर डब्ल्यू बी सी काउंट ल्यूकोपीनिया अपने आप जेनेटिक ही है सबके अंदर ही कम रहता है तो इन्फेक्शन हो जाता है और लास्ट एलर्जीज हो सकती है एलर्जी एंड लास्ट बट नॉट द एलर्जी मतलब इफ यू हैव एलर्जीज एलर्जिक टेंडेंसी है आपको तो एलर्जी की वजह से भी आपकी बॉडी में बार बार इंफ्लामेशन होगा इंफेक्शन होगा दिक्कतें होगी बार बार आप बीमार होंगे छीके आएगी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहेगी सिवियर आपकी एलर्जीज जब भी एलर्जन आएगा आपको दिक्कत बढ़ जाएगी सो एलर्जी इज अगेन अ रीजन देन वट इज द अदर रीजन और क्या बच गया स्ट्रेस सबसे बड़ा चीज जो दुनिया में सबको है स्ट्रेस तो नॉर्मल है सबके लिए है सबको होगा पर हाउ डू यू डील विथ स्ट्रेस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और स्ट्रेस कंटिन्यूअस है क्रोनिक स्ट्रेस है कोई लाइफ में खुशी नहीं है कोई अच्छी नींद नहीं है लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर देन दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से थोड़ा ब्रेक लीजिए न्यूज चैनल से ब्रेक लीजिए घर परिवार के साथ टाइम बिताइए योगा करिए मेडिटेशन करिए अपनी एक्सरसाइज करिए कुछ इन्जॉयमेंट करिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ विथ योर बॉडी विथ योर लाइफ विथ योर विथ योर वाइफ विथ योर किड्स विथ योर फैमिली म्यूजिक आर्ट्स मेडिटेशन इन पे ध्यान दीजिए ये सारी चीजें करेंगे तो आप बीमार होना कम हो जाएंगे सो प्लीज़ डू दैट थैंक यू सो मच प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट जिसको जरूरत है उसके काम आ सके मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थ